तो आज हमें जो नया टॉपिक पढ़ना है वो है कांग्रेस का सूरत विभाजन। ये टॉपिक जो है ये वैसे तो एक अलग से पढ़ने वाला टॉपिक है, लेकिन हम इसको स्वदेशी आंदोलन का भाग भी मान सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1908 में समाप्त हुआ और ये घटना जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 1907 की घटना है, 1907 की घटना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस घटना का स्वदेशी आंदोलन में एक रोल है, भूमिका है, इनफैक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने स्वदेशी आंदोलन को काफी प्रभावित किया, न केवल स्वदेशी आंदोलन को, बल्कि आज जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं इसने कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित किया, इसने कांग्रेस के संगठन को प्रभावित किया और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस इसके प्रभाव में रही है। इसने ब्रिटिश सरकार को भी प्रभावित किया, उसकी रणनीति को भी प्रभावित किया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन। चलिए बात शुरू करते हैं आज की। 1907 की घटना है, लेकिन इस 1907 की घटना को पर जाने से पहले हमें कहीं ना कहीं कहानी को 1905 से समझना होगा, 1905 से स्टार्ट करना होगा। देखिए 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और जब स्वदेशी आंदोलन के लिए आगे बढ़ा जा रहा था, तभी से याद होगा मेरा जो पिछला वीडियो पार्ट 7 का जो वीडियो था स्वदेशी आंदोलन का, मैंने उसमें इस बात की चर्चा भी कर रखी है कि नरम पंथियों में और गर्म पंथियों में टकराव था कुछ बातों को लेकर के। टकराव क्या था? टकराव इस बात को लेकर था कि स्वदेशी आंदोलन की क्या रणनीति हो, स्वदेशी आंदोलन का क्या क्षेत्र हो, स्वदेशी आंदोलन का क्या स्वरूप हो, मतलब कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ चले और कैसे चलाया जाए। याद करिए मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे जो नरमपंथी नेता थे जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इस तरीके के जो फिरोज शाह मेहता, इस तरीके के जो हमारे उदारपंथी नेता थे, ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में चलाया जाए क्योंकि मामला बंगाल विभाजन का है, तो केवल बंगाल में चलाया जाए और केवल विदेशी वस्तुओं के विरोध तक इसको सीमित रखा जाए। जबकि जो हमारे गर्मपंथी नेता थे जैसे लाला लाजपत राय, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे गर्मपंथी नेता थे, ये चाहते थे कि आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाए, केवल बंगाल में ना चलाया जाए और एक जन आंदोलन चलाया जाए, केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक आंदोलन को सीमित ना रखें, बल्कि हमें शिक्षा व्यवस्था का भी बहिष्कार करना चाहिए, ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का, ब्रिटिश की सरकारी नौकरियों का, इन सब का बहिष्कार करना चाहिए, हर क्षेत्र में हमें ब्रिटेन का बहिष्कार करना चाहिए। तो हमारे गर्मपंथी नेता कुछ ऐसी रणनीति स्वदेशी आंदोलन के लिए चाहते थे। इसको लेकर के 1905 में टकराव था और कहीं ना कहीं 1905 में हम विभाजन की कांग्रेस विभाजन की कगार पर खड़ी हुई थी। उसका विभाजन 1905 में भी हो सकता था, लेकिन 1905 में ये विभाजन टल गया। अब टला क्यों? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बनारस में 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गोपाल कृष्ण गोखले ने उदार गर्मपंथियों को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए, हाँ कांग्रेस के मन से ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली स्वराज की मांग को उठाया था। हमने लास्ट वीडियो में ये बात पढ़ी थी। तो स्वराज और जो हमारे उग्रपंथी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे, इनकी डिमांड, ये एक बड़ी डिमांड थी कि हमें बंगाल के विभाजन का तो विरोध करना ही है, लेकिन हमें उससे ज्यादा बड़ी मांग भारत के लिए स्वराज की मांगों को करना है। तो वो स्वराज का मुद्दा उठाना चाहते थे। इनफैक्ट मैंने पढ़ाया भी था आपको पिछली क्लास के अंदर कि स्वदेशी आंदोलन में स्वराज बंगाल विभाजन से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। तो ये बात गोपाल कृष्ण गोखले ने अनऑफिशियली कह दी थी, एक कारण। दूसरा कारण ये कि कांग्रेस के मंच से ऑफिशियली गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में ऑफिशियली कर्जन की, लॉर्ड कर्जन की निंदा कर दी गई और साथ ही साथ स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। हाँ चाहते ये लोग थे कि केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, लेकिन बहिष्कार का कम से कम समर्थन किया
किया गया तो स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन कांग्रेस के मंच से कर दिया गया। इसलिए 1905 में तो गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में एक संभावित विभाजन जो था वो टल गया। अब एक साल हो गया, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या क्या घटनाक्रम हुए, स्वदेशी आंदोलन कैसे चला। अब फिर से कांग्रेस का अगले साल 1906 में दिसंबर 1906 में आते हुए कांग्रेस का फिर से जो है अधिवेशन होना था। नाउ ये अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। अब इस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जो है फिर से ये तय होना था कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने। हमारे गर्मपंथी नेता थे, गर्मपंथ से अभी तक कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था। और हमारे गर्मपंथी नेताओं को ये बात समझ में आ रही थी कि कांग्रेस में अपनी बात को अगर मनवाना है, चलाना है, तो कहीं कम से कम अध्यक्षता का पद अपने पास अब लेना होगा, तभी हम अपने तरीकों से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। नरमपंथियों के नेतृत्व में हम उन तरीकों से आगे खुलकर नहीं बढ़ सकेंगे। तो इस बार पूरा जोर था गर्मपंथी नेताओं का कि अध्यक्ष उनकी तरफ से बने। विशेषकर वह चाहते थे कि लाला लाजपत राय और जो है दादा और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए, ये डिमांड चल रही थी। लेकिन उस दौर में लेकिन नरमपंथी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गर्मपंथियों में से कोई अध्यक्ष बने। क्यों? क्योंकि वो गर्मपंथियों के तरीकों का समर्थन नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब वो बिल्कुल इस समर्थन में समर्थन नहीं करना चाह रहे थे। वैसे उसका एक बड़ा कारण और भी है। जो लॉर्ड मॉर्ले हैं, जो कि ब्रिटेन में भारत सचिव थे, जो कि सबसे बड़ा अधिकारी होता था भारत के लिए ब्रिटेन में, तो लॉर्ड मॉर्ले और भारत में जो उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, कर्जन हट चुके थे 1905 में, और उसके बाद लॉर्ड मिंटो जो है भारत में सचिव बने थे। तो जो लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव थे, इन लोगों ने भारत के उदारवादी नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया था और कहीं ना कहीं भविष्य में कैसा संविधान सुधार भारत के लिए हो उस पर चर्चाएं प्रारंभ कर दी थी। तो हमारे जो नरमपंथी नेता थे उनको एक आशा जगी, उनके अंदर एक आशा थी कि अब क्योंकि ब्रिटेन ने हमसे संवैधानिक सुधारों पर बातचीत शुरू कर दी है, तो संभवतः ब्रिटेन जो है भविष्य में भारत के लिए कोई संवैधानिक सुधार करने जा रहा है, भारतीय जनता के हित में कोई संवैधानिक सुधार करने जा रहा है, तो बातचीत शुरू हो गई थी। अब तो वह बिल्कुल जो है नहीं चाहते थे गर्मपंथी नेताओं के तरीकों पर चलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कांग्रेस इन तरीकों से चली तो शायद ये बातचीत टूट जाएगी और शायद जो संवैधानिक सुधार भारत को मिल सकते हैं वह सुधार नहीं मिल पाएंगे। तो एक घटनाक्रम 1906 में ये चल रहा था, इसका भी असर हुआ। तो दिसंबर 1906 में जब कलकत्ता के अंदर अधिवेशन की बात आई और नया अध्यक्ष चुनना था, तो इस नए अध्यक्ष को चुनने के लिए फिर से टकराव खड़ा हुआ। अब इस टकराव को शांत करने का तरीका नरमपंथियों ने यह ढूंढा कि दादा भाई नौरोजी का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दिया गया। नाउ दादा भाई नौरोजी वाज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सब जानते हैं, सभी उनका सम्मान बहुत ज्यादा करते थे, नरमपंथी तो करते ही थे, गर्मपंथी नेता भी दादा भाई नौरोजी का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष पद पे आगे आने के कारण दादा भाई नौरोजी ने भी इस अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया। ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष जो अध्यक्ष पद का टकराव था, ये टकराव थोड़ा शांत हो गया। साथ ही साथ जो है कलकत्ता अधिवेशन के अंदर इस टकराव को टालने के लिए एक बात और गर्मपंथियों की मान ली गई। चार जो है प्रस्ताव, एक तरह से हम कहें रेजोल्यूशन या संकल्प, कांग्रेस के मन से चार संकल्प स्वीकार किए गए। एक था स्वराज का संकल्प, एक था बहिष्कार का संकल्प, एक था स्वदेशी का संकल्प और एक था राष्ट्रीय शिक्षा का संकल्प। यानी कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन की बात करनी थी और स्वराज की यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की बात करनी थी, स्वदेशी यानी कि इंडियन प्रोडक्ट्स के और इंडियनाइजेशन की बात करनी थी और साथ ही साथ बहिष्कार यानी कि अपोज करने की बात करनी थी, खुलकर विरोध करने की बात थी। तो चार संकल्प कांग्रेस के मन से स्वीकार किए गए। याद करिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन से कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के मन से ऑफिशियली स्वराज की मांग को उठाया गया। तब की बार ऑफिशियली भी स्वराज की मांग उठा दी गई। तो 1906 में भी ये विभाजन जो है वो कहीं ना कहीं टला।
अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है 1907। इधर अगर हम देखें तो 1906 के बाद, क्योंकि अंग्रेजों से हमारे नरमपंथी नेताओं की बात चल ही रही थी, तो 1906 के बाद जो है एक कमी हम देखेंगे या पीछे हटना देखेंगे नरमपंथी नेताओं का। उस स्वदेशी आंदोलन को वो उस तरह की ऊर्जा नहीं दे रहे थे या अब उतना खुलकर के समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उधर संवैधानिक सुधारों की बात चल रही थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई इससे होगा ये कि कहीं हमारी बातचीत, वही जो मैंने आपसे कहा कि कहीं हमारी बातचीत टूट ना जाए, ये डर हमारे नरमपंथी नेताओं को लग रहा था। तो थोड़ा पीछे की तरफ हट रहे थे, थोड़ा बैकफुट की तरफ जा रहे थे। इसको देख करके हमारे गर्मपंथी नेता नाराज थे कि भाई जिन लोगों का कांग्रेस के संगठन पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो लोग पीछे हट रहे हैं, वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं उस तरह से। तो इस तरह से हमारे उग्रपंथी नेता फिर से मन बना चुके थे कि इस बार तो कांग्रेस की अध्यक्षता हमको लेनी ही लेनी है, कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे में से ही कोई होना चाहिए, ये तय कर लिया गया था। और जब 1907 में, अब 1900 ये बात उदारवादी नेता भी भाप रहे थे कि उग्रपंथी नेता इस बार फिर अध्यक्ष पद के लिए पूरी कोशिश करेंगे और अब तो हमें उन्हें बिल्कुल वो अध्यक्ष पद नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस फिर खुलकर के विद्रोह के पथ पर आ जाएगी और जो अंग्रेजों से बातचीत चल रही है संवैधानिक सुधारों की, वो टूट जाएगी। ये सब देखते हुए कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन जो है वो अधिवेशन नागपुर में होना था, लेकिन फिरोज शाह मेहता, जो कि एक उदारपंथी नेता थे और काफी प्रभावशाली उदारपंथी नेता थे, फिरोज शाह मेहता ने जानबूझ करके इस कोशिश करके इस जो ये अधिवेशन था, इस अधिवेशन को नागपुर से हटा करके सूरत शिफ्ट करवाया। अब सूरत क्यों शिफ्ट करवाया, देखिए राजनीति थी वहां पर। सूरत इसलिए शिफ्ट करवाया क्योंकि नागपुर गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता था, माना ही जाता था कि नागपुर में गर्मपंथियों को बहुत सपोर्ट है। तो वहां गर्मपंथियों का, लोकमान्य तिलक का सपोर्ट वहां पर बहुत ज्यादा था, तो गर्मपंथियों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है नागपुर में, एक कारण ये था। और नागपुर मध्य प्रांत में आता था, सूरत बंबई प्रांत में आता था, तब के प्रांत अलग थे आज से, तो सूरत बंबई प्रांत में आता था। तिलक का जन्म बंबई प्रांत में हुआ है, सूरत उनका क्षेत्र था, सूरत उनका प्रभावशाली क्षेत्र रहा है, लेकिन सूरत उनका, बॉम्बे प्रांत उनका गृह राज्य था। और कांग्रेस की नीति आपको याद है, कांग्रेस की नीति क्या थी कि जहां पर अधिवेशन होगा उस प्रांत के व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो नागपुर में होता तो मामला मध्य प्रांत का था और तिलक जो है वो बंबई प्रांत के उनका जन्म माना जाता है, तो इसलिए नागपुर में तो उनका चुनाव हो सकता था, लेकिन क्योंकि सूरत के अंदर रखा गया तो सूरत में जो है अब तिलक शायद उस हिसाब से आगे ना बढ़े या उसकी मांग ना रखें, क्योंकि उससे कांग्रेस की पॉलिसी का सवाल खड़ा हो जाता है। तो जानबूझ के नागपुर से सूरत अधिवेशन को शिफ्ट किया गया। नाउ ये काम हो गया। अब जब सूरत में अधिवेशन शुरू हुआ तो यहां पर गर्मपंथियों ने खुलकर के डिमांड की कि हमको इस बार अध्यक्ष पद लेना ही लेना है। मांग यही रखी गई कि अध्यक्ष पद जो है वो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाए, नहीं तो लाला लाजपत राय को दिया जाए। वैसे बड़ी मांग जो थी वो लोकमान्य तिलक के लिए ही थी, तो तिलक को या तो बनाया जाए या लाला लाजपत राय को बनाया जाए। नाउ कांग्रेस के जो बड़े नेता, पुराने नेता थे, उदारवादी नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि इनको अध्यक्ष पद दिया जाए, और वह अध्यक्ष पद दिया भी नहीं गया। राज बिहारी घोष, जो कि एक नरमपंथी नेता थे, राज बिहारी घोष को कांग्रेस का नया अध्यक्ष 1907 में सूरत में बनाया गया। बस इसके बाद काफी झगड़ा हुआ। अगर हम देखें तो इस अधिवेशन का बहिष्कार गर्मपंथी नेताओं ने करना प्रारंभ कर दिया। मैंने मतलब कुछ जगह तो ये भी लिखा है कि कुर्सियां वगैरह भी तोड़ी गई, टूटी गई, और एक बहस भी हुई जो क्या कहते हैं आपके, राजबिहारी घोष जब अध्यक्ष चुने गए थे तो वो अपना अध्यक्ष का जब भाषण देने आ रहे थे तो तिलक जो है मंच पर आ गए और तिलक ने भाषण देना शुरू कर दिया, और तब उन्हें रोका गया कि, तिलक ने कहा मैं भाषण देना चाहता हूं, तो उन्हें रोका गया कि अभी अध्यक्ष का भाषण होना है परंपरा के तहत और इस समय और किसी का भाषण नहीं होगा। तो तिलक
को मंच से तब हटाया गया कि भाई आप अभी भाषण नहीं दे सकते, इस तरीके की बहस भी हुई। और इसी बहस में और लड़ाई में एक कांड भी हुआ जिसका मैं कई एपिसोड से मैंने बोला था आपको कि जूता कांड, तो कांग्रेस का पहला जूता कांड भी हुआ। इसमें हुआ ये कि यही जो बहस और लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा चल रहा था जैसा कि दलों के अंदर कार्यकर्ता लोग करते हैं, इसी में ऐसा हुआ कि किसी ने जो है मंच पर जूता फेंका भीड़ में से, और मंच पर जूता फेंका और वो जूता आकर दो बहुत बड़े उदारवादी नेताओं को लगा जाकर, एक थे उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरे थे फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को वो जूता टच कर गया, लगा उन तक पहुंचा। अब बात और बहुत ज्यादा बिगड़ गई, अब तो ये तय हो गया कि भाई सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं गर्मपंथियों की, गर्मपंथियों ने अनुशासनहीनता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, कांग्रेस की सारी परंपरा और परिपाटी को ध्वस्त किया जा रहा है, तो अब गर्मपंथियों को इस कांग्रेस से दूर करना चाहिए। उधर गर्मपंथी नेता थे वो भी जो है कांग्रेस से दूर होना चाह रहे थे, अब उन्हें दिख गया था कि भाई यहाँ पर हमें कभी अध्यक्ष पद मिलेगा नहीं, हम कभी पदों पर आएंगे नहीं, कांग्रेस को हम अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, तो फिर अब हमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, अपने हिसाब से हमको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ये देखते हुए ये लोग भी कहीं ना कहीं दूर हो गए। अब अगर हम देखें तो ये जो दोनों लोग दूर हुए हैं, इससे अब होगा ये कि कहीं ना कहीं एक ये जो सोच थी अलग होने की कि नरमपंथी भी गर्मपंथियों से अलग हो रहे हैं और गर्मपंथी भी नरमपंथियों से अलग हो रहे हैं, इसमें दोनों ने ही बहुत भारी चूक कर दी थी। लेकिन हाँ, उस समय सोच लिया गया था, तो गर्मपंथी नेता अलग हो गए, इन्होंने जो है वो अधिवेशन छोड़ दिया, अधिवेशन का बहिष्कार कर दिया। उधर राजबिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बना लिए गए। यहाँ पर नरमपंथी नेताओं ने फिर कांग्रेस का दोबारा से संविधान बनाया, 1908 में कांग्रेस का दोबारा से संविधान बनाया जाएगा, और जो गर्मपंथी नेता थे अब उनको कांग्रेस से दूर किया जाएगा, कांग्रेस की कार्रवाइयों से अब उनको दूर किया जाएगा। इधर गर्मपंथी नेताओं ने भी कांग्रेस की कार्रवाइयों से अब अपनी दूरी बना ली थी और वो अपनी लड़ाई अब खुल करके अकेले लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि ऐसा इतिहास में लिखा गया है और कुछ पत्र मिले हैं कि लोकमान्य तिलक ने इस बात को समझा कि ये गलत होने जा रहा है, तो तिलक ने इसकी कोशिश की थी और तिलक ने एक माफीनामा भी कांग्रेस को अध्यक्ष को भेजा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा और इस बात को भुला दिया जाए जो भी घटनाक्रम हुआ, और अब ऐसा नहीं किया जाएगा और हमें अब साथ ही करना चाहिए। लेकिन फिरोज शाह मेहता तैयार नहीं हुए, क्योंकि माफी तो उन्हीं को देनी थी, जूता तो आकर उन्हीं को लगा था, फिरोज शाह मेहता इसके लिए तैयार नहीं हुए, और कहीं ना कहीं गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच में कोई समझौता नहीं हो सका, तो गर्मपंथी नेता अपनी लड़ाई अकेले लड़ने लगे, अलग हो गए, उन्होंने भी फिर ज्यादा कोशिशें नहीं की साथ आने की। अब ये घटना हुआ तो एक तरह से इस कांग्रेस विभाजित हो गई थी, नरमपंथी नेताओं में और गर्मपंथी नेताओं के बीच में एक विभाजन खड़ा हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था जिसमें गर्मपंथी नेता कांग्रेस से दूर चले गए थे। नाउ ये जो घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम किसी के लिए भी सही नहीं था, इसके बहुत गलत परिणाम हुए, इसके दूरगामी परिणाम हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो नरमपंथी नेता थे और जो गर्मपंथी नेता थे कांग्रेस के लिए दोनों ही बहुत जरूरी थे। ये बात वो लोग नहीं समझ रहे थे कि दोनों ही कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अब ये विभाजन हुआ तो इसका सीधा सीधा असर स्वदेशी आंदोलन पर पड़ा। अच्छा, गर्मपंथी नेताओं को लगता था कि नरमपंथी तो स्वदेशी आंदोलन के लिए कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर हम अलग भी हो गए तो इससे आंदोलन पे तो क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं समझ पा रहे थे, वो उन्हें बाद में समझ में आई कि नरमपंथियों के होने से आंदोलन मजबूत था। क्यों था अभी बात करेंगे। हुआ ये, इसके बाद का अगर हम घटनाक्रम देखें तो जैसे ही नरमपंथियों से गर्मपंथी अलग हुए, अंग्रेजी सरकार इसी इंतजार में बैठी हुई थी, वह चाहती थी कि यही ऐसा हो जाए। इनफैक्ट मिंटो ने ब्रिटेन में एक पत्र भी लिखा कि कांग्रेस जो है वो विभाजित होने जा रही है और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब जब गर्मपंथी नरमपंथियों से अलग हुए तो अभी तक तो आंदोलन में नरमपंथी भी शामिल थे, तो जो वो शामिल थे तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो
दमन चक्र नहीं चला रही थी, वो आंदोलन को उतना सख्ती करने की कोशिश नहीं कर रही थी, उतना सप्रेस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें नरमपंथी नेता भी शामिल थे और नरमपंथी नेताओं के साथ कांग्रेस का वार्तालाप रहता था, तो इसीलिए वो दमन चक्र नहीं चला रहे थे। लेकिन जैसे ही गर्मपंथियों ने नरमपंथियों से अलग होने का फैसला किया, ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत आसान हो गया स्वदेशी आंदोलन पर अपना सप्रेशन करने का, उसे सप्रेस करने का, उस पर जो है कठोर कार्रवाई करने का, एक दमन चक्र चलाने का, आंदोलन को खत्म करने का। तो वो उसको करना आसान हुआ क्योंकि अब गर्मपंथी नेता खुल करके सामने आ चुके थे, तो अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि कौन नेता है जो जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं। वो आराम से सामने आ गए, चुन चुन करके सामने आ गए, तो उनको जो है अभी तक नरमपंथियों की एक शील्ड गर्मपंथी नेताओं को मिली हुई थी, ये बात गर्मपंथी समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें नरमपंथियों की एक शील्ड मिली हुई थी और शील्ड के पीछे रहकर के ही वह अपनी विरोधी भाषण और विरोधी बातें चला पा रहे थे। लेकिन जब वह खुद सामने आए तो अंग्रेजी सरकार को उन्हें दबाने में या उन्हें दमन करने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो ये हुआ, लाला लाजपत राय को पंजाब से निर्वासित कर दिया गया क्योंकि वो वहां चला रहे थे। इधर अरविंदो घोष पर जो है कई संगीन धाराओं के अंदर मुकदमे चले, तो अरविंदो घोष आंदोलन से संन्यास ले लेते हैं, राजनीति से संन्यास लेते हैं, बाद में तो अपना फिर आगे जाकर अरविंदो आश्रम भी बना लेते हैं। विपिन चंद्र पॉल को भी जेल हो गई थी। और इधर 1908 के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक को भी 6 साल की जेल हो गई थी, 6 साल की सजा हो गई थी और उनको मांडले जेल जो है भारत से बाहर मांडले जेल भेज दिया गया था। तो तिलक भी जो है देश से बाहर मांडले जेल में 6 साल के लिए चले गए, अरविंदो घोष का संन्यास हो गया, लाला लाजपत राय का निर्वासन हो गया, बाहर हो गए, और जो है ये भी जेल चले गए थे, विपिन चंद्र पॉल भी कुछ समय के लिए जेल चले गए थे और राजनीति से उसके बाद दूर हो गए थे। तो एक तरह से जो गर्मपंथियों का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, वो 1908 में आकर के खत्म हो गया। मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्वदेशी आंदोलन के खत्म होने में कांग्रेस के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक ये घटनाक्रम हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये गर्मपंथियों से चूक हुई कि वो नरमपंथियों के उस अनुभव को नहीं समझ पा रहे थे। जैसे अगर हम देखें तो नरमपंथियों के पास अनुभव तो गर्मपंथियों से ज्यादा था, ये बात तय है, क्योंकि नरमपंथियों ने रोका था कि भारत से बाहर, वो सॉरी बंगाल से बाहर जो है स्वदेशी आंदोलन को ना चलाया जाए, उतनी सफलता नहीं मिलेगी। गर्मपंथी नहीं माने और नरमपंथी सही भी थे कि उतनी सफलता तो बंगाल विभाजन के आंदोलन की बंगाल से बाहर नहीं मिली। हाँ, बंगाल में मिली, काफी हद तक मिली, एक नए आंदोलन के हिसाब से एक काफी बड़ी सफलता मिली, कुछ वर्ग जुड़े, कुछ नहीं जुड़े बट कुछ वर्ग जुड़े, लेकिन भारत बंगाल से बाहर शेष भारत के अंदर उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो एक अनुभव था नरमपंथी नेताओं का, नरमपंथी नेताओं का एक संरक्षण था गर्मपंथी नेताओं को, जिसकी आड़ में गर्मपंथी नेता अपनी कार्रवाइयां कर पा रहे थे, लेकिन अलग होने में वो नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारे नरमपंथी नेता थे उनसे भी बहुत बड़ी चूक हुई, वो गर्मपंथी नेताओं के महत्व को नहीं समझ पाए। उन्हें नहीं पता था कि एक संगठन को चलाने के लिए, किसी भी बड़ी पार्टी को या संगठन को चलाने के लिए दोनों चीजें आवश्यक होती हैं, अनुभव भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए। गर्मपंथी नेता संगठन की ऊर्जा थे, तो गर्मपंथी नेताओं को संगठन से दूर करके उन्होंने कांग्रेस को ऊर्जा विहीन कर दिया था। युवा तो गर्मपंथी नेताओं से ही जुड़ा हुआ था, तो जब गर्मपंथी नेताओं को आप दूर कर देंगे एक संगठन से, तो आपने कांग्रेस से युवाओं को भी तो दूर कर दिया, क्योंकि युवा तो वहां खड़ा होता है जहां ऊर्जा हो, क्योंकि वह स्वयं में ऊर्जा है एक संगठन की। तो स्वदेशी आंदोलन तो सफल ही युवाओं ने बनाया था, छात्रों ने बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर हुए और संगठन ऊर्जा विहीन हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1915 तक कांग्रेस एक ऊर्जाविहीन संगठन के रूप में रही और कांग्रेस की कोई भी बड़ी उपलब्धि 1915 तक दिखाई नहीं देती है। फिर इसके बाद 1908 से लेकर 1915 तक 7 साल का गैप, जो कि एक बहुत किसी भी आंदोलन में एक बहुत बड़ा गैप होता है, 7 साल का गैप हमें कांग्रेस के अंदर दिखाई देता है, जहां कांग्रेस हमें कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं देगी। तो ये ऊर्जाविहीन हो गया संगठन, ये नुकसान हुआ जो कि नरमपंथी नहीं समझ पाए, इन दोनों ने ही ये चूक कर ली, तो दोनों का नुकसान हुआ इसके अंदर, कांग्रेस का, नरमपंथियों का भी नुकसान हुआ और गर्मपंथियों का भी नुकसान हुआ। फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ ब्रिटेन का, क्योंकि फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो नीति ब्रिटेन की यहां भी सफल हो गई।
उसने नरम पंथियों से बातचीत की बात शुरू कर दी, गर्म पंथियों से दूर कर दिया, गर्म पंथी अलग हो गए, ऊर्जा विहीन कर दिया संगठन को। तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो अंग्रेजों की एक तरह से अगर हम देखें तो वो सफल हो गई। इसके साथ ही साथ हम देखें तो एक और भी इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि अभी तक बंगाल का युवा क्रांतिकारी घटनाओं में छात्र उतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे या युवा क्रांतिकारी घटनाओं से उतना नहीं जुड़ रहे थे, पर एक आंदोलन युवाओं को भड़काता तो है, तो स्वदेशी आंदोलन ने युवाओं को भड़काने का काम तो किया, पर स्वदेशी आंदोलन 1908 में जब खत्म हो गया तो युवाओं की उस ऊर्जा को दिशा देने के लिए नेतृत्व तो नहीं था, क्योंकि जो बड़े नेता थे जो कि उन्हें दिशा दे रहे थे वो या तो राजनीति से बाहर हो गए या जेलों में चले गए, तो वो युवा दिशाहीन हो गया। और उसके कारण अब उसने जो है छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन बनाने शुरू कर दिए, जिनको हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन बनाने शुरू कर दिए और उन क्रांतिकारी संगठनों के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से अब उसने अपनी बात को आगे रखने की कोशिशें की। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से ठीक है, वो अपनी राष्ट्रभक्ति तो दिखा रहे हैं लेकिन इससे बेहतर तरीकों से यह आंदोलन लड़ा जा सकता था, पर वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं युवा भी जो है हिंसा की तरफ बढ़ा और युवा क्रांतिकारी संगठनों की तरफ बढ़ने लगा। तो ये सब सूरत विभाजन के कारण हुआ, सूरत विभाजन का जो प्रभाव था वो पड़ता है, दिखाई देता है हमको। अब अगर हम देखें तो ये जो सूरत विभाजन है, ये सूरत विभाजन अगर आप सोचेंगे कि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी इसका एक दिखाई देता है, वो ये कि देखिए ये टकराव जो था, टकराव तो चला ही आ रहा था, विभाजन एक ना एक दिन होना था, ये विभाजन शुरुआत में ही हो गया। कांग्रेस ने इससे सीख ले ली, 1915 तक कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई इसके बाद, तो कांग्रेस के नेताओं ने इससे और जनता ने, भारत की जनता ने भी इससे सीख ले ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस में विभाजन के मौके नहीं आएंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे 1947 तक की राजनीति और इतिहास जब हम भारत का पढ़ेंगे तो कांग्रेस में ऐसे कई मौके आएंगे जब विभाजन की कगार पर कांग्रेस पहुंचेगी, पर अब कांग्रेस का विभाजन हर बार टाल दिया जाएगा। ऐसे मौके ढूंढ लिए जाएंगे, ऐसे तरीके ढूंढ लिए जाएंगे कि कांग्रेस पूरी तरह से विभाजित ना हो। तो ये जो प्रारंभ का अनुभव था, ये शुरुआती दौर में ही एक अनुभव ये भी ले लिया, तो अब ये इसकी भी मदद गांधी के दौर में पड़ेगी, जब गांधी के नेतृत्व के सामने कई बार कांग्रेस विभाजित होने की कगार पर पहुंचेगी। ऐसी घटनाएं 1922 में हमें दिखाई देंगी, हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ऐसा मौका 1938 में 1938 में भी आएगा, तो कांग्रेस में ये मौके फिर आएंगे लेकिन इस बार उस विभाजन को टाल दिया जाएगा। तो ये एक मतलब पॉजिटिव साइन भी है कि एक हमारा अर्ली लेसन हो गया, शुरुआती दौर में भारतीयों ने इस बात को सीख लिया, एक गलती करके एक चूक करके सीख लिया, पर हाँ ये गलती तो थी ही, पर इससे हमें सीखने को भी मिला, हमने इसके नुकसान भी उठाए हैं। तो इसलिए ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 1907 का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन। इसके अंदर इसमें राज बिहारी घोष का अध्यक्ष बनना, उसके बाद फिर 1908 में कांग्रेस का नया संविधान लिखा जाना, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। चलिए इससे आगे की बात तो अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन अभी आपके आगे एक और घटना बताना चाहता हूँ। अभी पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते एक घटना सामने आई और उसने बहुत कुछ समझने का मौका दिया। मैं जब ये सब घटनाक्रम पढ़ रहा था तो मैं तिलक जी के केस के बारे में पढ़ रहा था कि भाई तिलक को किन धाराओं में भेजा गया, तिलक पर क्या मुकदमा चलाया गया था कि उनको 6 साल, एक बड़ी भारी सजा होती है, 6 साल की सजा 1908 के अंदर जो है दी गई, देश से बाहर भेजा गया। तो घटना क्या थी, आरोप क्या थे तिलक के ऊपर, थोड़ा सा उसका जिक्र करता हूँ, वहां से भी हमें सीखने को मिलेगा। और तब के नेता हमारे कैसे थे और आज उन नेताओं के नाम पर कितनी ओछी राजनीति होती है वो भी हमें देखने को मिलेगी, या किस तरीके से तब के दौर और अब के दौर को समझने का मौका मिलेगा। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, मैंने आपसे कहा कि अब युवा क्या थे, युवा क्रांतिकारी तरफ भी, क्रांतिकारी घटनाओं की तरफ भी बढ़ने लगे थे। तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी के ऊपर, उनकी बग्गी के ऊपर जो है एक बम फेंका,
उसमें किंग्सफोर्ड की को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दो महिलाओं की डेथ हो गई। गलती से वो महिलाओं पर बम गिरा और दो महिलाओं की डेथ हो गई। इसके अंदर अगर हम देखें तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और जो प्रफुल्ल चाकी थे वो पकड़े गए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जो है उनको फांसी दे दी गई। इस घटना का तिलक समाचार पत्र निकालते थे, याद करिएगा, केसरी और मराठा हमने पढ़ा था। तो केसरी समाचार पत्र के अंदर तिलक ने इस घटनाक्रम का में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन कर डाला। उन्होंने इसका समर्थन किया, उनके हिसाब से जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया वो ठीक किया। जब उन्होंने समर्थन कर डाला तो जो देशद्रोह का एक तरह से जो मुकदमा था, राजद्रोह का जो मुकदमा था, वो तिलक के ऊपर चालू हुआ, ये मुकदमा चलाया गया। तो इस मुकदमे में ही तिलक को 6 साल की सजा जो है वो दी गई थी। तो एक तो ये फैक्ट है कि क्यों दी गई थी, स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए नहीं दी गई थी, इस घटनाक्रम के कारण वो सजा दी गई थी, 6 साल की सजा जो दी गई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें सामने आया, तिलक पर विशुद्ध हिंदूवादी नेता होने का आरोप लगाया जाता है। अक्सर लगता है, उनसे कहा जाता है कि वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों और पर्वों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल भी किया है, यह आरोप तो लगता है। और अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि भाई जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्हें कट्टर मुस्लिम नेता बोला जाता था। आज तो भारत में जिन्ना की बात करना भी गुनाह है, और अगर राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्ना के योगदान पर जिक्र किया जाए तो लोग आप ही को देशद्रोही कहना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन और तिलक हमारे लिए आज भी बहुत सम्माननीय है, ये बात सच है। लेकिन एक फैक्ट मेरे सामने आया और उसके बाद मैंने उसे क्रॉस चेक किया, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो तिलक पर जब ये मुकदमा चला था तो आपको मालूम है तिलक ने अपना वकील किसको बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। और मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के वकील बने भी थे। तो इस केस में, इस मुकदमे में तिलक को डिफेंड करने वाले जो वकील थे ना, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने तिलक का केस लड़ा था अंग्रेजों के सरकारी वकील के खिलाफ। तो उस दौर की राजनीति को आज बहुत ही मीन तरीके से, बहुत निचले स्तर पर दिखाया जाता है। तब के दो, एक विशुद्ध हिंदूवादी नेता और एक विशुद्ध मुस्लिम नेता, वो एक साथ लड़ाई भी लड़ते हैं, एक को बचाने के लिए दूसरा उसका वकील भी बनता है। तो आज उस दौर के उन महान नेताओं को समझने के लिए हमें अभी बहुत बड़े खुले दिमाग से चीजों को देखना होगा और समझना होगा। बस इसी फैक्ट के साथ आज आप लोगों को छोड़ रहा हूं, और अगले वीडियो में हम अब बात करेंगे कि मुस्लिम लीग के निर्माण की घटना पर हम बात करेंगे, 1909 के मॉडले मिंटो एक्ट पर हम थोड़ी बात करेंगे कि वो कैसा आया था, उसका क्या स्वरूप था, और कुछ क्रांतिकारी घटनाओं की भी बात करेंगे जो कि हुई थी उस दौर के अंदर। वो बातें हम लास्ट अगले वीडियो के अंदर करेंगे, और फिर हम 1915 पर पहुंचेंगे कि क्या हुआ। अभी भारत की राजधानी भी चेंज होनी है, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली जाना है, तो क्यों गई राजधानी दिल्ली, उसके कारणों को भी समझेंगे। इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए, उसको बताइए, अपने सजेशंस दीजिए। एक खबर और भी है, सिविल एकेडमी के मेरे स्टूडेंट्स के लिए खबर है, बाकी और बच्चे भी आना चाहें तो आ सकते हैं। इस वीक से कमिंग, अभी तक हम वेट करते क्योंकि मैं लॉकडाउन में ये क्लासेस ले रहा हूँ। हम सभी संस्थाएं, जितनी बड़ी पॉपुलर संस्थाएं हैं इंडिया की सिविल सर्विसेज को पढ़ाने वाली, वो सब अभी 1 जून तक जो है लॉकडाउन की स्थिति का वेट कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा या अब संस्थाओं को कम से कम ओपन करने का मौका दिया जाएगा। तो अभी भी बहुत सारी संस्थाएं लॉकडाउन में ही हैं। मेरी खुद की संस्था का एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, तो वहां पर अभी जाने की इजाजत, इंस्टीट्यूट जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए वो लाइव क्लास वगैरह की सुविधा स्टार्ट नहीं हो पाई थी, बट अब यूट्यूब ने हमारा 2 दिन पहले लाइव ओपन भी कर दिया है, और अब एटलीस्ट मैं घर से अब लाइव क्लास ले सकूंगा। तो इस हफ्ते से
अभी एक या दो दिन के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप देखिएगा, यूट्यूब के थ्रू भी आ जाएगा, प्लस हम पर्सनल मैसेज भी आपको भिजवा देंगे। तो अब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जो आगे का कोर्स है हिस्ट्री का, वो मैं वीडियो और लाइव क्लास दोनों के माध्यम से ऑल्टरनेट तरीके से आपको दूंगा। तो अब हम हफ्ते में 3 या 4 बार लाइव क्लास में भी मिलना स्टार्ट कर देंगे, हम मिलेंगे, जिसमें कि मैं आपको और ज़्यादा पढ़ा सकूंगा, लंबी क्लासेस ले सकूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हम बहुत सारे टॉपिक्स एक दिन में कवर नहीं कर पाते हैं, बट लाइव क्लास के अंदर हमारे टॉपिक्स ज़्यादा कवर हो जाएंगे। तो वो भी अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी तो मेरी मजबूरी है कि मुझे लिमिटेड साधनों के साथ घर से ही लाइव क्लास लेनी होगी, लेकिन जल्द ही अगर इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है तो वहां तो हमारे पास सुविधाएं हैं, नहीं हो पाता है तो कहीं और कोई रूम वगैरह रेंट लेकर या कहीं पर भी कोई जगह लेकर के वहां पर एक स्टूडियो बनाने की प्लानिंग चल रही है, और उस स्टूडियो से फिर हम आपको लाइव क्लास और बेहतर सुविधाओं के साथ दे सकेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो विद इन 3 to 4 days में आप लाइव पर भी मेरे साथ होंगे, ठीक है? तो तैयारियां बैकएंड पर हमारी पूरी चल रही हैं। तो कोई एक जगह आ जाएगी तो वहां फैकल्टीज आकर के वहां से लाइव क्लास ले लेंगी। घरों से तो संभव नहीं है, कोरोना सबके घर में कोरोना का संकट लगा रहता है, तो घरों में तो कोई एक दूसरे के नहीं जा रहा है, अभी किसी थर्ड प्लेस पर काम शुरू किया जाएगा। तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए, अगला वीडियो आएगा तो इससे आगे की बातें करेंगे, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और जल्द ही लाइव क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।